हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन सिस्टर। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, स्पेशली ईद में इसे जरूर बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम सीखना शाही टुकड़ा। सबसे पहले हम इन ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। कॉर्नर्स को कट करना इसलिए जरूरी है कि जब हम इसमें मिल्क पोर करेंगे तो ये सही से एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब हम इसे ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे ब्रेड्स को कट कर लिया है ट्रायंगुलर शेप में। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत लोग इसे डीप फ्राई करते हैं, बट मैं थोड़ा डाइटिंग कॉन्शियस हूँ तो मैं थोड़ा कम ऑयल में फ्राई करूंगी इसे। यहाँ देखिए, हमने पैन को अपनी गर्म कर लिया है। हम इसमें बिल्कुल जरा सा तेल डालेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपने ब्रेड्स को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करके इसे फ्राई कर लेंगे हम। ये हमने 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में हम डाल रहे हैं 2 इलायची। हमें इसे बॉईल करना है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। जिस तरह से हम रबड़ी बनाते हैं उसी तरह से इस दूध का, ये 1 लीटर है क्वांटिटी में, हम इसे 1/2 लीटर में लेकर जाएंगे। तो इसे हम बॉईल होने देते हैं और अपने ब्रेड्स को रेडी करते हैं। ब्रेड हमारा एक साइड से ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे पलट ले रहे हैं। दूध हमारा बॉईल हो चुका है तो हमने इसे अब लो फ्लेम पे रखा है और अब धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहेंगे। इसके किनारे पे जो ये आकर के दूध लगेगा उसे भी हमें चम्मच से बार बार निकालते रहना है। याद रखिए, दूध को हमें इसकी क्वांटिटी के 1/2 मिलाना होगा। ये 1 लीटर है तो हम इसे 1/2 में लेकर के आएंगे। देखिए, दूध हमारा आधा क्वांटिटी में आ चुका है। ये 1/2 लीटर जल्दी सा लगभग हो चुका है। ये देखिए, इसकी थिकनेस, रबड़ी भी बनना शुरू हो चुकी है। मलाई देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, लगभग 1/2 कप की जितना। अब हम डाल रहे हैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क, लगभग हमें डालना है 1 कप। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। बस चीनी के घुलने तक हमें इसे मिक्स करना है। चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपके पास केसर नहीं है तभी आप फूड कलर इस्तेमाल करें, वरना आप केसर वाला दूध इसमें कलर आने के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो हमें जो कलर चाहिए था वो कलर हो चुका है, इसकी थिकनेस भी हो चुकी है दूध की। अब बस हम इसे अपने ब्रेड्स पे डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़े से बादाम और पिस्ते भी डेकोरेशन के लिए कट करके रख लिए हैं। अब हम इस मिल्क को इसमें इस ब्रेड्स के ऊपर डालेंगे। दूध ठंडा होने के बाद नहीं डाले, गरम गरम ही डाले, क्योंकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। बिल्कुल अच्छे से हम डाल देंगे सारे ब्रेड्स के ऊपर। तो हमने दूध डाल दिया है, अब हम इसको गार्निश करेंगे आलमंड्स और पिस्ते के साथ। आप चाहे तो इसे गार्निश के लिए खोए का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप चेरी डाल सकते हैं, आप इसमें सूखा नारियल डाल सकते हैं क्रस्ट करके। तो गार्निश आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप इसे कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को शाहीन सिस्टर्स की तरफ से ईद मुबारक। बाय बाय, टेक केयर।